शराफत से मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दें या तो फिर मैं पुलिस को अपने साथ लेकर। शराफत से तुम इस घर से निकल जाओ। मैं अपने बेटे को लेने आया हूं, आप इसे जबरदस्ती यहां नहीं रख सकते। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, यह मेरे मीनू की औलाद है। हक की बात आप मत करें, बाप हूं मैं इसका, शरीयत और कानूनी हक है मेरा। तुम्हारे मुंह से शरीयत और कानून की बातें अच्छी नहीं लगती इस्मंदियार। उस वक्त कहां थी तुम्हारी शरीयत जब तुमने मेरी बेटी को बेरहमी से निकाल के बाहर फेंका था? यह मामला खुदा की अदालत के हवाले कर दिया। खुदा के वास्ते मुझ पर आपकी ये जज्बाती बातें कोई असर नहीं कर रही, समझे आप? मैं हाजी को यहां से लेकर जाऊंगा। तुम इस बच्चे को हाथ भी नहीं लगाओगे इस्मंदियार। तुम्हारा कानून और शरीयत जो दिल चाहे करो। मैं जो करने आया हूं वही करने जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? तुम इस बच्चे को नहीं ले जा सकते। आप नहीं, हाथ से लगाए मुझे साइकिल। साइकिल आप नहीं करें, छोड़ो, छोड़ दो, नहीं करें, बस तो मेरे बच्चे को छोड़ो, छोड़ दो, घटिया लोग। कैसे उठा लाया? क्या मतलब उठा लाया? बेटा है मेरा, राज से तुम्हारा भी बेटा है। आप पागल हो गए हैं? दिमाग ठीक है आपका? निशा। क्या निशा, क्यों लाए आप इसे यहां? क्योंकि ये मेरा बेटा है इसलिए। नहीं है ये आपका बेटा, और इस बेटे को यहां लाने का मशवरा आपकी बहन ने दिया होगा ना, क्योंकि वो तो चाहती नहीं मैं इस घर में सुकून का सांस लूं, जीना हराम किया गया उन्होंने। पागल तो नहीं हो गई कहीं? आप पागल हो गए, रोज मेरे तमाशा करते हैं। इतनी मुश्किलों से मैंने मीनू को इस घर से निकाला, आपको क्या लग रहा है आप उसके बेटे को उठा रहे हैं? ये मेरा बेटा है। लेकिन मेरा बेटा नहीं है। और मुझसे कोई फिजूल एक्सपेक्टेशंस रखने की भी जरूरत नहीं है। पालेगी।
जाहिल बेवकूफ लड़की, तुम्हारे बाप का घर जो यहाँ चीजें तोड़ती पड़ोगी। आप अगर इस वक्त मेरे मुंह ना ही लगे तो बेहतर है। ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। ये घर मेरे शौहर का है, आप अपने शौहर के घर जाके मर्जी क्यों नहीं चलाती अपनी? क्यों अजाब की तरह मुसलत हो गई मुझ पे? अजाब बनकर तो तुम नाजिल हो इस घर में, पूरे घर का सुकून हराम कर दिया तुमने। चली जाए आप यहाँ से, इससे पहले मैं आपको धक्के देकर यहाँ से निकलवाऊ। जाकर अपने शौहर से क्यों नहीं पूछती कि ये घर किसके नाम है? जाओ और फिर मुझसे बात करना। सारे कार्ड एक साथ क्यों नहीं दिखा देते आप? क्यों रोज नई नई कहानियां सुनने को मिल रही हैं? और क्या क्या है जो छुपा के रखा है आपने? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हादिया सो रहा है? तुम्हें जो बात करनी है बाहर जाके करो। मैं बाहर जाके बात करूं? और ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप मुझसे? आहिस्ता आवाज में बात करो। नहीं कर सकती मैं आहिस्ता बात। जो आग मेरे अंदर लगी हुई उसका अंदाजा है आपको? एक नया तोहफा लेकर आ गए मेरे लिए? निशा मेरी बर्दाश्त मत आजमाओ। बर्दाश्त मेरी खत्म हो चुकी है। क्या समझा था मैंने और क्या निकले तुम? फौरन यहां से चली जाओ। मेरा बेटा यहां सो रहा है, चली जाओ यहां से। मेरा बेटा भाड़ में गया तुम्हारा? बात बंद करो। मुझे थप्पड़ मारा? समझते क्या हो तुम मुझे? उम्मीद करो जो समझता हूँ वही समझता रहूं, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। इससे ज्यादा क्या बुरा कर सकते हैं आप मेरे साथ? शर्म नहीं आती मुझ पे हाथ उठाते हुए? आइंदा ऐसी बात ना करना कि मेरा हाथ उठ जाए। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ पे हाथ उठाओगे और मैं खामोशी से खड़ी तमाशा देखती रहूंगी? और यहां से दफा हो जाओ। मेरा हाथ छोड़ो।